नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी है म्यू 2 में 40 मीटर के यहाँ फ्लैट बने हुए हैं। उन 40 मीटर में मैं आपको एक प्रॉपर्टी रिव्यू देने वाला हूँ कि कितनी बेहतर प्रॉपर्टी है, किन लोगों के लिए है और क्या क्या यहाँ सुविधाएँ हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रॉपर्टी के अंदर लेके कि फ्लैट कैसे हैं, क्या रेट में हैं, क्या चल रहा है। ये प्रॉपर्टी का एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन बड़े बड़े पार्क हैं। लगभग 1000 फ्लैट्स यहाँ 2000 फ्लैट्स यहाँ अवेलेबल हैं। और 4 फ्लोर का ये मास्टर प्लान है, मतलब 4 फ्लोर तक 1, 2, 3, 4 जनरली जो सरकारी आवास में देखने को मिलता है वो यहाँ उपलब्ध है। और बाकी आपको मैं डिटेल में जानकारी देता हूँ। ये फ्लैट का व्यू है, आप लोग देख रहे होंगे। ये बीच में पार्क हैं, साइड से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये 4 फ्लोर का प्लान है। और लगभग 50% मकान यहाँ एक्यूपाइड हो चुके हैं। और ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये सेक्टर म्यू 2 का बोर्ड लगा हुआ है। ये 897 से 9004 जो लगभग ये फ्लैट के नंबर हैं, इतने फ्लैट्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सेकेंड पार्ट है, ये 897 से लेके और ये यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 1 से लेके 736 तक लगभग 1136 लास्ट, मतलब जो ये लेन आगे जा रही है, ये लास्ट इस साइड की जो लेन है वो 1136 पे एंड होती है। बाकी ये कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह छूटी हुई है। और उसके बाद जो सामने आपको दिख रहा है वो पार्क है, उसके बाद ऐसे 3 पार्क और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलते हुए हम लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो है आपको एक साइड, जो 2 साइडें मैंने आपको दिखाई थी उसके एक साइड आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे हैं, क्या पार्किंग स्पेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही ये जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे फ्लोर्स, ये फ्लोर का प्लान हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर तक जा रहा है, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। और आप देख पा रहे होंगे बाहर भी काफ़ी स्पेस है, आप बैठने के लिए आप पेड़ों के पास बैठ सकते हैं। ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये बाकी और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में जो छोटे एलआईजी फ्लैट जिन्हें बोल सकते हैं या जो 40 मीटर के फ्लैट्स हैं पूरे दिल्ली NCR में, वहाँ इतनी स्पेसिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जितनी ये ग्रेटर नोएडा के म्यू 2 में 40 मीटर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में देखने को मिल रही है। अभी जब आप इसको आगे देखेंगे तो मैं आपको इसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखा पाऊँगा। ये देखिए, इसके पीछे ये छोटी वाली पार्किंग है, इस पार्किंग में लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, जहाँ अभी लोगों ने कपड़े सुखा रखे हैं। जब आप इसी बिल्डिंग में या इसी लेन में जब आगे बढ़ते हैं तो छोटी पार्किंग के बाद आपको बड़ी पार्किंग दिखती है। इस बड़ी पार्किंग में आप देखिए इतना स्पेस है, शायद मुझे तो नहीं लगता NCR में पार्किंग के लिए किसी छोटी हाउसिंग स्कीम में इतना बड़ा स्पेस है। और ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ही आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा गार्डन भी है, सेम गार्डन इसके सामने, जस्ट इसके सामने यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। आप इसको बहुत बेहतर ढंग से देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा, थोड़ा वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है। आप अगर देख रहे होंगे तो देखिए ये दूसरा गार्डन भी है, एक गार्डन, सेकेंड गार्डन और ये आपका थर्ड गार्डन, और इसके बाद ये आपका लंबा जिसे बोल सकते हैं रनिंग के लिए आप रनिंग पाथ यूज कर सकते हैं। और जैसा जब आप इसको और आगे गहराई से देखेंगे, सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके जस्ट सामने, जो सामने आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको पार्क दिखाएंगे, पार्क दिखाने से पहले मैं इस ये जो फ्लैट्स हैं इनकी एक सबसे बड़ी कमी दिखाता हूँ। जनरली जो प्रॉपर्टी रिव्यूअर होते हैं वो क्या करते हैं कि अच्छाई बता के चले जाते हैं कि माल बेचना है या फिर कहीं से स्पॉन्सर्ड होते हैं। मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाऊंगा। ये देखिए ये सीलन, जैसा कि ग्रेटर नोएडा के आप ज़्यादातर फ्लैट्स में आपको ये सीलन देखने को मिलेगी। ये देखिए ये सीलन आपको खुद ही ठीक करवानी होती है, जैसे जैसे फ्लैट बनते जाते हैं लोग रिपेयरिंग शुरू कर देते हैं। जैसे ये सीलन डायरेक्ट छत से आ रही है,
टंकियां ओपन पड़ी होंगी और इस सीलन की वजह से घर के अंदर भी आपका पेंट का नुकसान जनरली सरकारी फ्लैट्स में ये वो देखने को मिलता है। बस इसकी सबसे बड़ी कमी या कह सकते हैं यही एक कमी है जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो जो आपको मैंने गार्डन दिखाया था, गार्डन के बाहर ये जो पार्किंग दिखाई थी, और इस पार्किंग के बाद हम आपको सीधा ले चलते हैं, यहाँ से एंट्री होगी इसकी। अच्छा, ये देखिए ये आपको पार्क दिख रहा है। इस पार्क को मैं आपको अलग तरीके से भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ इस पार्क का। ये यहाँ का पहला पार्क है, ये देखिए बच्चे खेलने। रात को यहाँ का बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, आप अंदर ही बैठे मतलब सोसाइटी के अंदर ही पार्क का मज़ा ले सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बेहतर सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा की। खेलों की सुविधा भी उपलब्ध है बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहला पार्क था और ये बच्चे खेल रहे हैं पहले वाले पार्क में। एंट्रेंस के सामने जो आप देख रहे होंगे सामने एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद से जो पार्क स्टार्ट हो रहा था वो पार्क का व्यू ये है। बहुत बड़ा पार्क है ये। जब हम इसको और जस्ट टर्न लेते हुए हम आपको जब आगे बढ़ते हैं तो ये बीच में लॉबी है दो पार्कों के बीच में। और ये लॉबी के बीच वाला हिस्सा है जो लॉबी के बीच में जो पार्क फेसिंग फ्लैट्स हैं जिन्हें हम पार्क फेसिंग फ्लैट कहते हैं। ये सेकंड दूसरी साइड भी पार्क फेसिंग फ्लैट हैं। ये पूरा आपको क्लियर अब दिख रहा होगा और ये सेकंड पार्क है। इसके बाद जो सामने बाउंड्री वॉल दिख रही है उसके पास थर्ड पार्क है। ये देखिए ढंग से आपको थोड़ा सा टाइम के साथ दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी खेलने के लिए बच्चों के लिए बढ़िया सुविधाएं हैं। ये सेकेंड पार्क है और ये जो सामने आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं ये पार्क फेसिंग इनको बोलते हैं और इनका भी रेट आपको थोड़ा सा अप डाउन मिलेगा। जो पार्क फेसिंग फ्लैट्स होते हैं उनके रेट का भी डिपेंड होता है कि रेट जनरली जो रेट है वो 12.5 से लेके 18 लाख तक का है। 18 लाख में आपको ग्राउंड फ्लोर और स्टार्टिंग वाली जो बिल्डिंग की जो है स्टार्ट जहाँ से होता है वहाँ से है। और जब हम आप इस लेन को एंड करेंगे बिल्कुल लास्ट वाले जो फ्लैट हैं इस प्रॉपर्टी में उनकी कीमत लगभग 12.5 लाख से शुरू होती है। टॉप फ्लोर ग्राउंड उनका भी 14-15 में आता है। और अगर आप देखें तो इतनी हरियाली, इतने बड़े बड़े पार्क आपको पूरे NCR में बड़ी प्रॉपर्टियों में तो देखने को मिल सकते हैं, बट छोटी प्रॉपर्टी में आम आदमी जैसे कॉमन मैन हम बोल सकते हैं, सिंगल सैलरी कमाने वाला छोटा मोटा इंजीनियर या अपना सुपरवाइजर टाइप के लोग या फिर जो भी IT इंडस्ट्री में अभी स्टार्टिंग की है जिन्होंने जॉब की और फैमिली हो गई है तो सिंगल कमाने वाला बंदा है उसके लिए किराए से बचने की सबसे अच्छी व्यवस्था है। जितना आप किराया देते हैं उतने में आपकी यहाँ से किस्त निकल जाती है। यह थर्ड पार्क का व्यू है। ये थर्ड पार्क का आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। 360 व्यू में आपको ये देखने को मिलेंगे पूरे। ये आपका 360 व्यू है पार्क नंबर थर्ड। ये लास्ट में जब आप आते हैं जो थर्ड पार्क है यहाँ देखिए परिवार बैठे हुए हैं छाँव में। ये फरवरी की छाँव है और आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे लॉन भी दे रखे हैं इनमें। यहाँ लॉन में आप अपना कुछ भी उगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी बैठ के बना सकते हैं। और हम आपको अभी आगे ले चलते हैं लास्ट में। ये लास्ट की बिल्डिंग शुरू होने वाली है, अभी तो लास्ट नहीं है। ये हम लोग पार्क के जिस सामने जब घर निकलते हैं तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, गाड़ी आती हुई दिख रही है, वो लास्ट की दो बिल्डिंग की रो हैं। आप देख पा रहे होंगे ये बीचों बीच का हिस्सा है पार्क के बाद का। ये भी एक बड़ी पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ये जो पीछे के फ्लैट्स हैं उनके छोटे छोटे लॉन दिए हुए हैं, बहुत ही करीने से ये लॉन सजाए गए हैं। आपको दिखाते हैं, कपड़े बच्चों के सूख रहे हैं, आपको वैसे दूर से दिखाऊंगा मैं।
आप दूर से देख सकते हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे लॉन्स हैं फ्लैट के पास। ये पीछे के फ्लैट्स हैं जो जिनके टॉप फ्लोर 1260 तक आपको मिल सकते हैं अगर आप बात करेंगे। इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये हाई टेंशन लाइन गुजर रही है 1,32,000 वोल्टेज, इसकी वजह से लोग ये पीछे वाली रो के फ्लैट्स कम पसंद करते हैं। और लगभग वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का ये एरिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे के फ्लैट्स हैं, लोग रहे यहाँ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग रह रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग रह रहे हैं, बट सामने आप देख रहे होंगे सीलिंग की वजह से पूरा टूटा पड़ा है। थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी भी ऐसा लोग बोलते हैं कि पीछे की कुछ ख़राब है, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारी फ्लैट्स के साथ ऐसा होता है। लोग रह रहे हैं, थोड़ा सा कैमरे में मूवमेंट दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, ये फ्लैट्स है, ये हाई टेंशन लाइन गुजर रही है यहाँ से। आपको और बगल से दिखाते हैं पास से, तो यहाँ पे इनके रेट्स आपको थोड़ा कम मिलेंगे। बाकी मुझे लगता नहीं, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि हाई टेंशन लाइन के पास रहने से बीमारी होगी या कुछ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन है, रेडिएशन वैसा तो नहीं है, बट ये काफ़ी हाई वोल्टेज लाइन है और ये लास्ट एरिया है। कुछ लोग आगे ले चलते हैं, ये जब हम वापस मुड़ते हैं तो ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए लंबा सा ये ट्रैक है, आपका ट्रैक कह सकते हैं, रास्ता है ये, और ये बाउंड्री वॉल के भीतर ही है। अगर आप देखेंगे तो फिर आपको बैक से फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये बैक के फ्लैट्स हैं, ये बाउंड्री वॉल यहाँ पे एंड हो रही है। लगभग रहना या आबादी आपको हर जगह यहाँ मिलेगी। फिर वही आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़िया सा पार्किंग आपको देखने को मिल रही है, बढ़िया सा नीम का पेड़ है, छांव है। ये देखिए फिर आपको एक बड़ी पार्किंग देखने को मिली है यहाँ पे। ये लास्ट एरिया है इस सोसाइटी का, सुंदर सा नीम का पेड़।